हेलो एवरीवन, होम्योपैथी हील्स के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे टॉन्सिलाइटिस के बारे में कि टॉन्सिलाइटिस कितने तरह का होता है, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, आप अपने टॉन्सिल्स की केयर कैसे कर सकते हैं और होम्योपैथिक मैनेजमेंट। टॉन्सिलाइटिस एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जिसमें आपके जो टॉन्सिल्स हैं जो कि थ्रोट इंटरनल थ्रोट में प्रेजेंट होते हैं वो स्वेल्ड अप हो जाते हैं बॉडी के मैकेनिज्म के रिस्पांस में, जो कि हमें प्रोटेक्ट करते हैं आने वाली किसी भी रेस्पिरेटरी कंडीशन के लिए। बेसिकली टॉन्सिलाइटिस क्या है, एक इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स है। मेन कॉजेटिव एजेंट जो टॉन्सिलाइटिस का है वो है स्ट्रेप्टोकोकस। टॉन्सिलाइटिस दो तरह के होते हैं, टॉन्सिलाइटिस एक्यूट हो सकता है और टॉन्सिलाइटिस क्रॉनिक हो सकता है। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस जो कि हाल फिलहाल में हुआ हो, जिसमें टॉन्सिल्स आपको रेड इन्फ्लेम्ड मिलेंगे, उनमें दर्द मिलेगा, उनकी वजह से आपको फीवर भी मिल सकता है और प्रिकिंग सेंसेशन मिलता है। जबकि क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस में आपको सिर्फ टॉन्सिल्स स्वेल्ड अप मिलेंगे, वो रेड नहीं होंगे और आपको खाने पीने में तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। टॉन्सिलाइटिस के सिम्टम्स में आप देखेंगे कि एक टॉन्सिलाइटिस स्टार्ट होता है खराश के जैसे, सोर थ्रोट, सोर पेन इन द थ्रोट। इसके अलावा रेडनेस, स्वेलिंग ऑफ टॉन्सिल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, तो फीवर, हेडेक, मेलेस, ये सब आपको मिल सकता है। इसके अलावा डिफिकल्टी इन सॉलोइंग लिक्विड्स, सॉलिड्स या किसी भी तरह का, इवन सलाइवा भी देखने को मिल सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने टॉन्सिल्स की केयर कैसे कर सकते हैं। हम बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखते हैं जिन्हें बहुत सारे सर्जन रेफर कर देते हैं कि आप टॉन्सिल्स निकलवा दीजिए, लेकिन अनलेस बहुत सीवियर ना हो तो टॉन्सिलेक्टोमी अवॉइड ही करनी चाहिए। आपको सॉल्ट वाटर से 2 times a day गार्गल करना चाहिए। आई नो बहुत डिफिकल्ट होता है टॉन्सिलाइटिस के केस में थोड़ा सा भी पानी पीना, बट कीपिंग योर सेल्फ हाइड्रेटेड विल हेल्प टू कॉम्बैट द कंडीशन और द एक्यूट टॉन्सिलाइटिस। आपको प्रेफर करते हैं तो आप वार्म फ्लूइड्स, वार्म लिक्विड्स भी ले सकते हैं। टॉन्सिलाइटिस के केस में सार और स्पाइसी फूड को अवॉइड करें। अब मैं आपको बताती हूँ होम्योपैथिक मैनेजमेंट। अगर कभी भी इंटरनल एक्सटर्नल स्वेलिंग हो टॉन्सिल्स की और पेशेंट हार्डली कुछ भी स्वॉलो नहीं कर पा रहा है और जो स्प्यूटम है वो स्टिकी है, तो आप अमोनियम म्यूर के बारे में सोचिए और उसे 3 times a day दीजिए। दूसरी रेमेडी है बहुत ही कॉमन, बेराइटाकार, जो कि स्क्रोफिलस कॉन्स्टिट्यूशन में दी जाती है। बच्चे बूढ़ो दोनों में बहुत ज्यादा काम आती है। फ्रीक्वेंट टॉन्सिलाइटिस कैन ओनली स्वॉलो लिक्विड्स। इसके अलावा ड्वार्फ किड्स, डिलेड माइलस्टोन्स, ये सब इंडिकेट करते हैं बेराइटाकार। जब टॉन्सिलाइटिस की एक्यूट कंडीशन हो, इन्फ्लेमेशन हो, रेडनेस हो, ड्राई थ्रोट हो, बर्निंग हो, बेलाडोना जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ रेमेडी है एक्यूट टॉन्सिलाइटिस। इन केस अगर किसी का टॉन्सिल रिमूव कर दिया गया है और टॉन्सिलेक्टोमी के बाद उसको कोई तकलीफ होती है, तो कैल्केरिया कार्ब 1 mg की डोज वंस इन अ मंथ दी जा सकती है। कैल्केरिया फ्लूर 6x में एक बायोकेमिक प्रिस्क्राइब किया जाता है इन्फ्लेम टॉन्सिल्स में, जब टॉन्सिल्स में पस पड़ जाए या स्मॉल प्लग बन जाए या टॉन्सिल्स के स्टोन्स बन जाए, जहां पे पेन इज एग्रेवेटेड बाय ड्रिंकिंग कोल्ड एंड एमिलियरेटेड बाय वार्म ड्रिंक्स। अगर टॉन्सिल्स में एब्सेस बन जाए तो कैल्केरिया सल्फ के बारे में सोचें। हीपर सल्फ एक बेहतरीन रेमेडी है टॉन्सिलाइटिस की। जब प्रिकिंग या थॉर्न प्रिकिंग, नीडल लाइक प्रिकिंग सेंसेशंस मिलते हैं। इसके अलावा अगर टॉन्सिल्स पे अल्सर्स हो गए हैं तो भी हीपरसेल्फ बहुत अच्छा काम करता है। लेकेसिस एक बहुत अच्छी रेमेडी है टॉन्सिलाइटिस की और वीकली डोजेस पे दी जानी चाहिए जब टॉन्सिल्स पर्पल लिविड कलर के हो जाए, मोस्टली लेफ्ट टॉन्सिल जब अफेक्टेड हो और पेशेंट को नेक सेंसिटिविटी मिले। पेशेंट कैन नॉट टॉलरेट एनी क्लोथिंग अराउंड द नेक, कैन नॉट बियर ए सफोकेशन टॉन्सिलाइटिस की वजह से, तो लेकेसिस इज द रेमेडी। लेकिन जब राइट टॉन्सिल प्रीडोमिनेंटली अफेक्टेड हो, थिंक ऑफ मर्क आयोड इन वेरी लो पोटेंशियल, स्टार्ट विद 2x। मर्क सॉल
ऐसे टॉन्सिलाइटिस के केस में हेल्पफुल होता है जहां पे देयर इज एक्सेसिव सलाइवेशन एंड पेशेंट कंप्लेन ऑफ फीटेड ओडर फ्रॉम माउथ, देयर इज बैड ब्रीथ व्हिच अकंपनीज इन केस ऑफ मर्ग सॉल्ट. इन केस ऑफ फाइटोलाका टॉन्सिल्स बिकम डार्क रेड ब्लू, हॉट ड्रिंक्स एग्रीवेट फाइटोलाका एंड होर्सनेस इज प्रेजेंट. अगर टॉन्सिल्स में सेप्टिसीमिया हो जाए तो पायरोजिनम 200 शुड बी गिवन एट द बेड टाइम इन वीकली डोसेस. अगर टॉन्सिलेक्टोमी हुई है और पेशेंट को बिल्कुल भूख प्यास नहीं है, बहुत ज्यादा डिएबिलेटेड हो गया है, बहुत वीक हो गया है, तो स्ट्रेप्टोकोकिनम की 1 ml पोटेंसी में 6 डोजेस एवरी मंथ 6 मंथ्स तक दी जाए. इसके अलावा ट्यूबरकुलाइनम एक नोसोड बहुत हेल्पफुल होता है जहां पे टॉन्सिल्स एनलार्ज्ड है, उसके साथ ड्राई कॉफ है और टॉन्सिलाइटिस रिकर होता है. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. लाइक करें, शेयर करें. तब तक स्टे फिट, स्टे हेल्दी. होम्योपैथी हील्स.